कलाओं में सितारे जागते हैं कि हम गर्मी के मारे जागते हैं, कि जिनके घर में यूपीएस नहीं है अरे वो भी बेचारे जागते हैं। शेडिंग है सता रही फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो आप बड़ी शर्ट पहन के बैठे हैं भाई। माशाल्लाह, आज लूडो खेली से जो फर्स्ट आए ना जी। असले की दुकान पे जाके अंदर ने पाए दो छांटे पैक कर दे। इन्होंने फोन किया इधर आते मैं गड्डी वहां में नवी ली, मैं घर गया तो मंजी दिया दौड़ा च पैर पसा कहते बच्चे परा हो जाओ मैंने जांच को नहीं। तंदूर तो मार खा ली क्यों उन्होंने पेड़े चौके कहते दसो कली है कि झोटा। इन्होंने 40,000 की ना लक्कड़ की मज ली ली, मैं कह की फायदा कहते पट्ठे नहीं पाने पैणगे। बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन है नेशनल असेंबली के अंदर मोहतरमा रोमीना खुर्शीद आलम। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर जनाब महेंद्र पॉल सिंह। शो जी, आप हमारे शो में पहली मर्तबा आए हैं, हम सब आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बहुत ही प्यारा शेर में लाया हूं जी भाई जान के लिए। महेंद्र पाल सिंह प्यारे प्यारे, महेंद्र पाल सिंह प्यारे प्यारे, बड़े हंसमुख सियासतदान हैं ठाकुर ठाकुर, ये जब आते हैं महफिल जाफरानी जाफरानी होने लगती है। सियासत और सकाफत ही नहीं ये जुमलेबाजी में भी माहिर हैं, ये जब आते हैं महफिल गुलस्तानी गुलस्तानी होने लगती है। मेरा शेर भी नून लीग लिए के तन मन दे होश भलाई जांदी नित वद्दी रोज महंगाई जांदी। पहले बंदा रोटी खांदा सी, पहले बंदा रोटी खांदा सी, हुण रोटी बंदे नू खाई जांदी। बारे में ये सोचते वो खान है, खान है। हाँ। हाँ। लोग कहते आंधी मैं कहता हूँ तूफान है। पहली गवर्नमेंट देख रहा हूँ मैं कैसर, जो इक्तदार में आके भी परेशान है। रोमीना जी क्या हाल है आपके? I'm fine, अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहली दफा हमारे शो पे आई हैं। बहुत शुक्रिया। और कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारे जो पाकिस्तान की पहचान है शान है पूरी दुनिया में जिनका नाम है उनके सामने। नहीं नहीं, हम इमरान खान साहब को नहीं मिलने आए। मैं उनके इमरान खान साहब की बात मैं कर भी नहीं रही, ना मैं उनसे परेशान हूँ ना मेरा उनसे कोई उस तरह का मुझे परेशानी है। मैं तो जो पाकिस्तान के और पूरी दुनिया के दिलों में लोग रहते हैं हमारे आर्टिस्ट, मैं उनकी बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। जरा मुफ्ता को लो भी पूछ लेना, कोई गल नहीं। मुफ्ता इस्माइल को लो, उनसे क्या पूछना है कि परेशान किने ने खान साहब तो ये कहते सन पहले असी 70 रुपए लीटर पेट्रोल देवे उस टाइम जो असी पेट्रोल वधा रहे थे, हूँ कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने गैर कानूनी काम करके सस्ता पेट्रोल दिता है। तो ये तो जरा शहबाज शरीफ साहब को और मुफ्ती इस्माइल साहब को पूछो ना कि वह किस हद तक परेशान ने। परेशानी का आलम तो इतने है कि इतने पाकिस्तान कैबिनेट मीटिंग नहीं हो रही, वो वास्ते भी लंदन जाना पै रहा है। जी वैसे ये बताइए कि आप तो असेंबली के अंदर मौजूद हैं, बड़ी वाली असेंबली के अंदर मौजूद थी, तो वहाँ पे जब हालात चेंज होते लग रहे थे तो लग रहा था कि आप कर जाएंगे, एक्चुअली ये जो कर दिया। डेफिनेटली पता था तो हम लोग वहाँ पे थे ना। अच्छा, पहले बताया हुआ था आपको? नहीं बताया नहीं। जब आप एक नंबर गेम के साथ आप जब चल रहे हैं आपको अंदाजा है क्या क्या नंबर्स हैं, आपको फैक्ट्स का पता हो तो फिर डेफिनेटली जो चीजें हैं वो सबके सामने आई। वैसे मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, क्योंकि आप लोगों की तरफ से सवाल पहले उठा था आज से बहुत साल पहले, तो मैं उस वक्त से आज तक तजब्जुब का शिकार हूँ और मैं नहीं जान पाया इसका राज, और फिर ये सवाल मजीद बढ़ता चला गया। एक बहुत मशहूर सवाल हमने 2017 में पाकिस्तान की वादियों में गूंजते सुना था कि मुझे क्यों निकाला।
ठीक है, और उसका जवाब नहीं मुझे आज तक मिल सका। आवाज तो मिला नहीं, अब कोई और भी कह रहा है। हमने तो जवाब मिल गया, आज जवाब के सामने सब कुछ है। हम लोग तो वापस दोबारा गवर्नमेंट भी आ गई, सब कुछ हो गया। अब खुद कुछ और लोग परेशान है। आई थिंक दिस इज कार्मा, और कार्मा रिवील्स, कार्मा की खूबसूरती है कि जो आप दूसरे के लिए करते हो अपने आगे भी आ जाते हैं। तो आपने कहा कि इनको पता चल गया कि अब किसने निकाला, ठीक है, बात ये कि हम लोगों ने 2018 का जो इलेक्शन था उसको ना चाहते हुए भी, क्योंकि अवाम के मुफाद में, हम लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है उसको बढ़ना चाहिए, उसको चलना चाहिए। उसके लिए तमाम तर जो अपोजिशन की जमातें थी उन्होंने प्रॉपरली पार्लियामेंट के अंदर इन लोगों को वक्त दिया, इन लोगों के साथ चलने की कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़र्फ कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मैं समझती हूँ कि जो इंसान किसी के साथ सलाम दुआ करने का भी रवादार ना हो तो उस इंसान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो हालात उन्होंने पैदा किए थे उसकी वजह से आजकल वो खुद ही परेशान फिर रहे हैं। नहीं नहीं, मगर मेरा सवाल वहीं पे है, मुझे क्यों निकाला? ये जो सवाल था इसका जवाब आपको मिल गया क्या? अब तो सबको ही मिल रहा है कि किस किस को कहां कहां निकला। उसके बाद अब आपकी हुकूमत दोबारा आ गई है। जी जी, अब तो यानी कि अब ये सवाल आप लोगों के पास भी है, मुझे क्यों निकाला, तो यानी कि अब आपकी हुकूमत भी दोबारा आ जाएगी। तो इनकी कर्मा वाली बात पे वो आऊंगा कि इन्होंने कहा कि जो जैसे करता है वैसे। मुझे तो इस बात पर हैरानी हो रही है, जब हम यहाँ से 27 मार्च को इस्लामाबाद जो है एक जलसा करने जा रहे थे, तो ये साथ ही इन्होंने 25 और 26 मार्च को यहाँ से वो कुछ 10-15 लोग इकट्ठे करके ये महंगाई मार्च निकाल रहे थे, हमजा शहबाज और मरियम नवाज। अब महंगाई पे आपका क्या ख्याल है? अब तो आप, मैं तो हैरान, ये कहते थे नाहल 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 नाहल, तो वो होता है जो डिसीजन नहीं कर पाता, जो मुश्किल डिसीजन या जैसे भी डिसीजन कर ले, वो नाहल नहीं, वो अहल होता है, वो डिसीजन करके मुल्क को संभाले। इसी मुशियत में हमने सेहत कार्ड को सपोर्ट किया, हमने इसी मुशियत में कोरोना के डिज़ास्टर से हम जो है हम निकले हैं। अगर खुदा न खासा, शुक्र है अल्लाह का कि ये कोरोना के वक्त में इनकी हुकूमत नहीं थी, नहीं तो ये तो अब तक मुल्क को शायद बेच भी देते होते। कोरोना के मुश्किल हालात में इमरान खान साहब ने, उस्मान बुज़दार साहब ने जिस तरह से फैसले लिए, मीशत को संभाला, मुश्किल से मुल्क को निकाला। इस वक्त में तो आपके पास तो 23 अरब डॉलर के जो है रिजर्व मौजूद थे, जो अब आप उन हालात को संभाल नहीं पा रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर ये बात चल पड़ी है तो पहली बात ये कि सेहत कार्ड जो है वो बहुत बड़ा, इन लोगों ने वो काम नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी था, वो गुज़श्ता हुकूमत का एक इनिशिएटिव था। इतना खौफ और इतना डर कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करके एहसास प्रोग्राम रख दिया, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का नाम चेंज करके एहसास रख दिया जिसमें एहसास नहीं था। जो यूथ को लैपटॉप्स दिए जाते थे उन लोगों से वो भी छीन लिया, बिकॉज जब लैपटॉप दिए जाते थे वो हम तो नहीं देते थे, वो HEC के थ्रू जाते थे, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, और वो बच्चों को उनके पैरों पर खड़े होने का एक मौका मिलता था, दे कैन वर्क आउटसोर्स। उसी बात जो उनसे एक और आपने बड़ी ज़रूरी कही ना कि जी पेट्रोल महंगा कर दिया, वो कर दिया, सारी चीज़ें साथ साथ चलती गई हैं। हम लोगों ने हमेशा साथ देने की कोशिश की, आप लोगों ने कभी पार्लियामेंट में आगे आके बढ़ने की जुर्रत ही नहीं, हिम्मत ही नहीं हुई। गवर्नमेंट जो गुज़श्ता थी इनकी, आज वो फैसला लेते थे कि जी ये बात हो गई, इस पर फैसला आ गया, इस पर हम लोगों ने नोटिफिकेशन जारी करना है, उस नोटिफिकेशन पे फिर जस्टिफिकेशन आती थी, और उस जस्टिफिकेशन पे फिर वो यू टर्न आता था, और वो यू टर्न पे सब कुछ कैंसिल हो जाता। गुजरा वाले तो चिड़े खा के आई हुई, मैं चिड़े नहीं खाती, गुजरा तो जरूर है, मेरा फखर है, लेकिन मैं चिड़े नहीं खाती। नहीं नहीं, गुजरा वाले वो उनकी वहाँ पे सपोर्ट भी बड़ी, आप देख जानते हैं, बड़ी सीटें जीती हुई इन्होंने। अगर हो सकता है गुजरा वाले चले जाए रास्ते में, वैसे उनसे पूरा पाकिस्तान ही मेरा है, लेकिन गुजरा वाला बेशक। वैसे आप जो थी मिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के अंदर भी आप बहुत मुतहरिक थी और उसमें आपने बड़ा काम किया हुआ था, तो मैडम उस किस्म की कोई चीज़ दोबारा शुरू होने का चांस है? जी बिल्कुल, अभी हमारी जो तकरीबन मेरे ख्याल में 2 दिन पहले, बल्कि आपके प्रोग्राम पे भी वो 2 दफ़ा आ चुकी हैं, शज़ा फातमा ख्वाजा साहिबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने उनको SAPM जो है वो नोटिफिकेशन उनका हुआ है यूथ अफेयर्स के ऊपर, और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि वो प्रोग्राम जो है वो दोबारा है, बिकॉज दैट इज़ टोटली नॉट एनी पोलिटिकली, उसमें कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उससे वो कुछ पार्टी पूछ के तो नहीं लोगों को मिलता था ना कि आप कौन सी पार्टी से, तो आपको मिले वो तो थ्रू यूनिवर्सिटीज़ जो है वो उनको मिलते थे। तमाम तर जितने जो अच्छे वर्ल्ड की लाइब्रेरीज हैं उनकी एक्सेस जो है उन लैपटॉप्स के अंदर थी, प्लस बच्चों को वो वाईफाई डोंगल्स जो है वो भी उसमें मिलते थे, प्लस उनकी एक्सेस होती थी पोर्टल्स थे, और दे कैन गेट द ईजीएस्ट एक्सेस, थीसिस वगैरह उसके ऊपर भी मिलते थे। अच्छा, पहली दफ़ा ही सुन रहा हूँ
कि किसी शायद मतलब जिस तरह से उसको ब्रीफ किया जा रहा है कि जी उससे इंटरनेट की वो होती थी, मेरे पास दूसरे लैपटॉप है उससे भी हो जाता है, ऐसा कोई नहीं है जी। मसला है ना, गल पूरी नहीं सुनी मेरे प्रा ने। मैं क्या डोंगल्स यानी कि उनको वाईफाई डिवाइसेस भी साथ दी जाती थी कि जिन इलाकों कहीं अगर नहीं वो ले सकते तो उनको मिले। इंटरनेट तो पूरी दुनिया से चल रहे हैं लेकिन उनको डिवाइसेस की मैं बात करें, मैं इसकी बात करूँ जिस तरह से इन्होंने उसको किया कि हमने एच ई सी के थ्रू दिए, हमने जो सेहत कार्ड दिए हैं और सेहत का दिया, हमने नून लीग के एम पी एम एन ए उसको भी दिए हैं, इनको भी हमने हर घर को हर फैमिली को उसका पहुंचाया। और ये जिस तरह से कह रही हैं कि वो हमारा एक पहला प्रोजेक्ट था, बच्चों से पूछ लेते हैं, यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है और मेरा ख्याल है कि मैं जो चीज़ें इनकी हैं मुझे उसको करना चाहिए और जो इमरान खान की इनिशिएटिव है उनसे घबराना नहीं चाहिए। अब सबसे पहली बात तो ये कि कोई कार्ड दे के एहसान नहीं किया क्योंकि उससे बहुत अच्छी बात है और जो अच्छे इनिशिएटिव हैं हम उनको लेकर आगे भी चलेंगे, एक बात। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से इन्होंने दवाइयाँ और टेस्ट जो आम सरकारी अस्पतालों में बंद किए वो भी सबको पता है, उनको जो है दोबारा से जो है उनको रिलीफ दिया गया। और मेरे ख्याल में ये भी एक, अगर आप पिंडी हॉस्पिटल हार्ट हॉस्पिटल्स वगैरह में अब जाके देखें तो जिस तरह लोगों के साथ हालात थे अब वो दोबारा वो वापस रिलीफ की तरफ जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये कोई सियासी क्रेडिट या वो नहीं है, किसी की भी मदद करना जो है हर एक का, एक तो पहली बात तो ये आवाम का हक है और दूसरी बात ये कि चीज़ों को एक्सेस में लेकर आना स्पेशली मेडिकल फैसिलिटीज, ये मैं समझती हूँ ये एक बहुत। महेंद्र भाई ने मैं सेहत कार्ड दो कहते वो मौके तो शनाख्ती कार्ड ला जाए, सिर्फ ता शनाख्ती कार्ड हों उत्ते इलाज हों जे लोग साढ़े लंगर खानिया के या जो एहसास प्रोग्राम का मजाक उड़ाते रहे ने, उन्होंने हूँ ना एक कूलर रख के नाल गिलास रख के नाल हमजा शहबाज की तस्वीर ला के पूरे पंजाब के हर जिले के उन्होंने वो शुरू किए। आपको इतराज किस बात पे है, पानी पे, तस्वीर पे या कूलर पे? अच्छी इनिशिएटिव की कि देखिए हमने मेहमान खाने यहाँ पे वो बनाए, एक उसके ऊपर जिस तरह से इन्होंने तनकीद की वो एक इज्जत के साथ लोग सो तो सकते हैं। अब वहाँ पे जो एक पानी का आपने वो किया है, पानी कोई भी पिला सकता है, कोई अच्छी बात है बुरी बात नहीं है। मैं गिलास ना संगली क्यों बननी, कहते गिलास है जगह जी नहीं ना। जरा तुमसे शनास आई हुई, जाया फिर उम्र की कमाई हुई, जो भी महंगाई मिटाने आया उसके ही दौर में महंगाई हुई, कम ना हो पाया मुआशी बोहरा और ना पूरी ही तबानाई हुई, हाय हाय आ। वेलकम बैक रोमीना जी, आपका पॉलिटिक्स पे आने का कैसे हुआ? जी आई हैव जॉइंड पॉलिटिक्स इन 2005 और उसके बाद 2008 और 9 में जो है मुझे पार्टी लीडरशिप जो है उनकी तरफ से मीटिंग हुई, बुलाया गया और जो मेरा काम था सोशल नेटवर्किंग थी उसके ऊपर जो है मुझे फिर यूथ का जनरल सेक्रेटरी जो है वो बनाया गया था। तो मैंने तब से लेकर अब तक पॉलिटिक्स में हूं। मगर व्हाई एग्जैक्टली पॉलिटिक्स? आई एम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मेरी फैमिली में से कोई भी पॉलिटिकल नहीं रहा, कोई पॉलिटिक्स से किसी का ताल्लुक नहीं है, नॉट पॉलिटिक्स। मैंने पहले इससे पहले मुख्तलिफ और भी कामों में किया, मैंने टीचिंग भी की हुई है, मैंने सोशल सेक्टर में भी काम किया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काम करती हूँ। और आई थिंक पॉलिटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर अगर आप कुछ करना चाहें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए एक्चुअली मैं कुछ बोलो, पीटीआई अपॉइंटमेंट पीछे जा रही है। इन्हें कुछ किया ह्यूमन राइट से, मकसूद चपड़ासी का इन्होंने साढ़े ते हमजा शहबाज नू जबरदस्ती का वजीर अला बनाया जिन्हों यही नहीं पता अकाउंट च पैसे किने पाए ने। चलो मोगी साहब ने पता है ना कितों आए ने, 19 गाड़ियां इतों है क्या हो गया? जिस तरह तुसी जहांगीर त्री नाल अलीम खान दे उते करके ना उस तो बाद तुसी उन्हां नू अपने रिश्तेदार बना लिया, इंशाल्लाह तुसी बहुत जल्दी फराक होगी नू भी अपनी। ये कोई बता दे कि शेख रशीद साहब जिनको वो चपड़ासी नहीं रखना चाहते थे उनको उन्होंने सीने से लगा लिया। देखो जितना 2011 तो लेके 2018 तक तुसी 7 साल बल्कि 2021 तक तुसी 11 साल साडे उते जहांगीर तीन अलीम खान जहांगीर तीन अलीम खान आटा चोर चीनी चोर यही करते रहे। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨੇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਬ ਉਹ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਥੇ ਤਬ ਉਨਕੋ ਇਹ ਕਹਤੇ ਥੇ ਯਾ ਉਹ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਜਬ ਉਹ ਇਹ ਕਹਤੇ ਥੇ ਹਮ ਤਬ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਅਬ ਉਹ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤਬ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ
होंगे तो चीनी 70 रुपए की मिलनी सी नहीं मगर नहीं वैसे एक्चुअली में क्योंकि वो तो जब आपके पास थे तब मैं इसलिए क्लियर होना चाह रहा था कि किस चीज का ज्यादा अफसोस है जब हमारे साथ थे तो ये उनके ऊपर तनकीद करते थे हमें तो तब भी परवाह नहीं की अब ये चले गए हैं अब इनके पास ये अब इनको जी ने एक और फरिश्ते कहते हैं हमें तब भी परवाह नहीं है पता सी ताड़ी बहस सुनी मैं सुलह वास्ते कतरी शहजादा बुलाया है ये तो कोई नहीं बताता कि जो पीटीआई का एक्चुअल वर्कर था जो पीटीआई के एक्चुअल लोग थे जिनमें फौजिया कसूरी साहिबा भी शामिल थी और बड़े बड़े इनके नाम वो लोग तो मैं कहीं पार्लियामेंट में भी नजर नहीं आते थे उन बेचारों को ना तो कभी कहीं पूछा गया और सामने उन्हीं लोगों को रखा गया जो कहां कहां से आया और कहां कहां से गए मैं 2008 से मैंने आईएसएफ से स्टार्ट लिया पंजाब यूनिवर्सिटी से आईएसएफ से स्टार्ट लिया 2013 में मैं साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट बना हूँ माइनॉरिटी का उसके बाद पीटीआई की तब भी मुझे एमपीए की टिकट मिली 2018 में पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी बना तो वर्कर के साथ यही रिस्पेक्ट हूँ तुसी उन्हां ते नजर रख दियो जिन्हां दी तुहानू जरूरत होवे जे तुहानू मौका मिले जिन्हां नूं लोटे बना लो लोकी तल्ले लै लै के आए ने बस कर दे आप हमें लोटे चाहिए भी नहीं मैनूं ते लोटियां नाल इन्नी नफरत हो गई मैं उहदी टूटी लवा दित्ती कि वो आपके साथ थे और ये उनको तनकीद करती थी जी तो वो उन्होंने फिर आपका साथ छोड़ा क्यों सीधी सी बात है जब अलीम खान साहब जहांगीरदीन खान साहब जितने भी इनके हैं जब उन्होंने पार्टी का साथ दिया हमने उनको रिस्पेक्ट दी वो टिकटें तकसीम करते रहे ये भी देखिए वो टिकटें तकसीम अब इंशाल्लाह वो टिकटों के लिए भी रुलेंगे वही रुलेंगे जो हमारे पास तकसीम करते रहे जिनको इज्जत रास नहीं आई लेकिन देखिए खान साहब ने इमरान खान साहब ने ये कोशिश की कि उनका कोई साथी भी है अगर वो ज्यादती कर रहा है अगर उसने चीनी में कमीशन बनाया है अगर वो कब्जा माफिया के साथ मुलव्वस है तो उसको खान साहब ने सपोर्ट नहीं किया और इन सब ने इनके अलावा बहुत सारे और ने भी नैब को भी फेस किया और बहुत सारे केसेस भी फेस किए सिर्फ इमरान खान साहब की ये एक मैं कह सकता हूँ कि इंसाफ का था कि उन्होंने अपनी पार्टी में भी किसी को इस तरह से सपोर्ट नहीं किया अगर वो गलत काम कर रहा है लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि इमरान खान साहब बाकी अगर इतनी जुर्रत इतनी हिम्मत इतना ज़र्फ था तो जब अलीम खान साहब ने एक मुद्दत के बाद बहुत देर वो खामोश रहे बहुत देर वो उन्होंने कोई बात नहीं की उन्होंने तमाम मीडिया के साथ जब बात की उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो आए मुझसे बैठ के बात करें तो जब कोई बात करता है तो फिर आके फेस क्यों नहीं करते हो रही है एक दिन ऐसा आएगा कि मुस्लिम लीग के तर्जमान जड़े झूठे God, how are you? You know, somebody betrayed me again. Oh. Once again. Dubara maine chokha jahi ho gaya. Wo kaise? You know, PTI de jalse hunde san na. Haan. Othe main ja ke te public de aan to pehle stage te chal ke te nagma surai karda san. Theek hai. Oh, mainu langar pani bhi dende san. Naal koi 1500 kuch Imran Khan sab de jawane jere hunde san. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਬਟ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਂਬਾ ਦੀ ਚੋਲਮੀ ਜਾਇਦ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2500 ਰੁਪੀਸ ਦਊਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੌਣੇ 87 ਘੰਟੇ ਗਾਇਆ ਪੌਣੇ 87 ਘੰਟੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਮਨੇ ਮੁਝੇ ਧੋਖਾ ਦਿਆ 2500 ਰੁਪਏ ਕਾ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜਲਸੇ ਪੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੇ ਜਲਸੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਜੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਉਸਨੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਕਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਕਾ ਜਲਸਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਤੋ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ ਉਹ 7,776 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 7,776 ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਪੀਟੀਆਈ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਪੀਐਮਐਲਐਨ ਕੇ ਵੀ ਏ ਆਈ ਡੂੰਗ ਸਰ ਉਹ ਵਾਟ ਐਪਾ ਉਹ ਵਾਟ ਐਪਾ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਕੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਐਪ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਟੀਆਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਗਾਇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਤਾਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਈ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ ਸਰ ਇੱਧਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ 7,000 ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੋ ਕੇ ਕਰ ਦੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਨੇ ਜੀ ਬਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੈਣ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਇਸਮੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ 17 ਤੋਂ 18 ਮਿੰਟ ਰਹੋਗੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਐਡਾ ਖੱਜਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਹੀ ਵੱਟੇ ਨੇ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅੱਗੂ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਓਏ ਹੋਏ ਹਨੇਰੇ ਹਨੇਰਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਰਾਂਡੇ ਚ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਬਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਪੀਪਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਖਲੋਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਭ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਜਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੋਟ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਕੀ ਗੁਲਾਮ ਹੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਜਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ UPS ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੋ ਓਏ ਹੋਏ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਬਲਦੀ ਸੀ ਚਲੋ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੱਤੀ ਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਏ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ ਅੰਧੇਰੇ ਅੰਧੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦੀ ਏ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰ ਹੀ ਛੇਕ ਕੇ ਵੱਜ ਗਏ ਹੋ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਲ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਲ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰੋਗੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 350 ਡੈਮ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂ ਆਪਣਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਓ ਮਨ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਗੁਜਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਓਹੋ ਚਿੜੇ ਖਾਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਲਸਾ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੇ ਖਾਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚਿੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਐਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ ਨੈ ਬਲੇ ਲੈ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮਕਸੂਦ ਚਪੜਾਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
देखो तुहाडी दुआ नाल हले मैं बनाया ही है दो दिन होए ने एक भी सब्सक्राइबर नहीं है और साड़ी दुआवां तेनू नजर ना लग जाए एक भी नहीं होना आप लोगों की हुकूमत थी तो आप लोगों ने लैपटॉप्स वगैरह के इनिशिएटिव लिया तो अब आप लोगों की जब दोबारा हुकूमत आई है तो आप लोग स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड्स इन के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं? मैं आपको बताती चलूं कि पहले भी जब प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम था तो उसके अंदर 6 प्रोग्राम्स थे 6 प्रोग्राम थे जिनके अंदर यूथ लोन स्कीम भी थी कर्ज़ हसना भी था स्किल डेवलपमेंट भी था और इसी तरह से जो है ये कंप्लीट 6 प्रोग्राम्स थे तो उनको दोबारा से रिव्यू भी किया जाएगा और इसके साथ साथ कामयाब जवान प्रोग्राम जो ये लोग चला रहे थे उसके अंदर भी जो मिनिस्टर बनी है शजा फातमा ख्वाजा उन्होंने प्रॉपर ब्रीफिंग्स भी ली हैं और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर जो है उनको बताएंगे उसमें ताकि अगर कोई भी अच्छी चीज़ पहले चल रही है तो उसको रोका नहीं जाएगा उसको साथ साथ लेके लेकिन जिन्ना कोई तुसी सोच लिया बाजी इन्ना टाइम हैगा तुहाडे कोल वेलकम बैक जी रुखमा खबर क्या है दुनिया में कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो पोर्ट्रेट बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं मगर आज मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में बताने लगी हूँ जो पोर्ट्रेट बनाने के लिए अपने ही बालों का इस्तेमाल करता है ये तो कभी भी नहीं बना सकते फिर मैं बनने देते हैं ना तू गल सुन फिलीपींस से ताल्लुक रखने वाला ये आर्टिस्ट रंगों की बजाय अपने बालों का इस्तेमाल करते हुए कई फेमस शख्सियात का पोर्ट्रेट सिर्फ 2 से 5 घंटे में तैयार कर देता है और दुनिया के कई फेमस आर्टिस्ट इस टेक्निक को फॉलो भी कर रहे हैं मैं ये सोच रही हूँ कि कोई इसको फॉलो करे ना करे लेकिन अकरम भाई इसको फॉलो नहीं कर सकते अकरम भाई उन्होंने ये पोर्ट्रेट की फिक्र नहीं जरिया भाई की फिक्र पै गई तो आवाम का सवाल का टाइम है ये और कौन पहले सवाल पूछना जाएगा जी भाई अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम इमरान यूनुस है मेरा सवाल मैम से है पहले आप लोग जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब को गलत कहते थे अब आपने उन्हीं के साथ इत्तेहाद कर लिया है इसके पीछे सियासी मफाद है या कोई और वजह सबसे पहली बात तमाम तर जमातों का अपना अपना एक मंशूर है ठीक है कोई जमात किसी और का मंशूर नहीं ले रही सब अपने उस पर चल रहे लेकिन जब आप पार्लियामेंट में आपको नंबर की जो बात आती है तो आपको एक दूसरे के साथ मिलके चलना है और जहां पर बात आपकी तमाम की एक एजेंडा जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स का भी है ठीक है और दूसरे कुछ कवानीन जिनके ऊपर भी बात हो रही है जो कि हम मुसलसल गवर्नमेंट को तब भी कहते रहे तो ये तमाम तर लोग मिलकर चल रहे हैं और कोई किसी के ऊपर अपनी मर्जी को मुसलत नहीं कह रहा सब लोग मिलकर जो है चल रहे हैं जिसको जिस चीज़ से इख्तलाफ होगा वो कहेगा तो लिहाजा बुरा भला सियासत में कोई भी 100% तो होता नहीं है सबको एक दूसरे के साथ मिल के चलना पड़ता है इन द पार्लियामेंट दुनिया में जंग भी हो रही हो तो उसका आखिरी हल डायलॉग्स ही है वो जंग का हल जंग नहीं है बाकी गल्ला दिया गल्ला नहीं आप जरदारी की बात करते हैं जिनको इनको सड़कों पे किसी इटना था आजकल वो इनको पूरे पाकिस्तान आप मेरे सवाल का जवाब ना दें मैं तो आपकी बात में मैंने तो ऐसी सारी छोटी सी बात कर दी तो बाजी जवाब दे दे नाल उदों चुन्ने जे काके हो जांदे ने नाल जी अगला सवाल अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद जमील है और मेरा सवाल सर से है और मैं सोते सोते मंजी तो डिग पैना सर पीटीए की हुकूमत को आईनी तरीके से निकाला गया है तो लोग ये क्यों कहते हैं कि इसमें अमेरिका का कोई साजिश है इसमें कोई मफाद है इसकी क्या वजह है सबसे पहले देखें कि 7 तारीख को एक लेटर आया मेमो आया और उसकी प्लानिंग जो है यहाँ पे होती रही है बहुत सारे हमारे मेम्बरान को बहुत सारी जो है कॉन्सुलेट में भी बुलाया गया ऑफर भी की गई सिंध हाउस में आपने देखा मेरे साथ भी हुआ है मुझे भी इन्होंने ऑफर की है कितने की ऑफर आई थी एक तरफ से 15 करोड़ की थी हाँ हाँ अल्लाह पता नहीं और दूसरी तरफ से फिर चढ़ते चढ़ते 25 तक पहुंच गए थे लेकिन मेरा एक ही जवाब था क्या एब्सोल्युटली नॉट एक तरफ से 15 करोड़ की आई और एक तरफ से 25 करोड़ की आई एक सिंध हाउस वाला ग्रुप था अच्छा दूसरा यहाँ पे जो कौन सा वाला जो यहाँ पे बदमाशी करने वाले ग्रुप थे
वो, अच्छा यहाँ आप एक यानी कि आपको सिंध हाउस से ऐसी 15 करोड़। अच्छा एक चीज वासी साहब, क्योंकि ये यंगस्टर्स सुन रहे हैं मुझे, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रही, लेकिन फॉर द जनरल नॉलेज जो यंगस्टर्स हैं मैं उनको जरूर ये कहना चाहूंगी कि पूरी दुनिया में ये होता है, पाकिस्तान में नहीं, कि आपको जो डिफरेंट एम्बेसडर्स होते हैं उनके पोलिटिकल अटैचीज होते हैं, उनके ह्यूमन राइट्स के लोग होते हैं, वो आपके लोगों से मिलते भी हैं, वो किसी एजेंडे के तहत नहीं मिलते, उनके आर्ट्स एंड कल्चर के भी, आई एम श्योर आप भी डेफिनेटली आप लोगों से ज्यादा कौन जानता होगा, आर्ट एंड कल्चर के भी प्रोग्राम्स होते हैं। और इससे पहले जब वो वजीर आजम थे या नहीं थे, उससे पहले कितनी दफा इनको खुद भी बुलाया गया। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी बेटा होते हैं जिनके अंदर वहां से लोग पाकिस्तान भी आते हैं और पाकिस्तान से लोग वहां भी जाते हैं टू अंडरस्टैंड कि वहां पर किस तरह से चीजें चल रही हैं, यहां पे कैसे चल रही हैं। जैसे पिछले दौर में हमारा एक अदारा है पार्लियामेंट का, जिसमें वुमेन पार्लियामेंटेरियन कॉकस एक अदारा जो है वो होता है, जो कि बायपार्टिजन, उसमें एपॉलिटिकल है, तमाम तर खवातीन जो है उसमें होती है। और इसी तरह यंग पार्लियामेंटेरियन फोरम का भी एक इदारा होता है जिसके अंदर तमाम वो लोग जो 45 की एज तक के होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। 45 क्योंकि आईपीयू की जो एज है वो यूथ की 45 तक है। उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की जिसपे कश्मीर पे भी की, पाकिस्तान ने होस्ट किया इस्लामी ममालिक की, दूसरे ममालिक की खवातीन को कि वो आए और बताएं कि उन ममालिक में किस तरह से चीजें मुश्किल हैं और यहां पर कैसे, तो हम एक दूसरे से सीख सकें। तो इस चीज को हवा बना के पेश करना मेरे ख्याल में जाती थी, लेकिन मैंने पोलिटिकल नॉलेज के लिए, मैं आप मेरी बहन है, मैं आपको वैसे भी मिलता हूं, वैसे नून लीग वालों को भी हम मिल लेते हैं पीपल पार्टी, लेकिन जब पैसे दे लेन देन वास्ते और नोटे बढ़ने वास्ते मिल रहे ना, वो गलत है। अमेरिकन से मिलना गलत नहीं है, अमेरिकन से मिलना गलत नहीं है या दूसरों से मिलना गलत नहीं है, लेकिन जब आपके मुल्क के सिस्टम में मुदाखलत कर रहे हो और अपनी मर्जी से आपको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हो, इस चीज को डिनाई कर रही नहीं, हमारी कौम एक्सेप्ट नहीं कर रही। वो जो 15 और 25 करोड़ थे यानी कि टोटल कुल मिला के 40 करोड़, तो ये जो 40 करोड़ टाइप कोई आपको ये पूछो आए कितों, वो भी अमेरिका तो ही आए सर। उन्हें कहते हैं कि हाँ मैं डाल दूंगा और लेकर निकल जाते पैसे और ना डाल। देखिए मैं समझता हूँ कि इसकी एक्सेप्ट करना भी ना ईमान बेचने के बराबर है। मुझे इज्जत दी इमरान खान ने, पार्टी ने इज्जत दी, 63A की डिफेक्शन लग रही है ना, क्यों लग रही है? आईन में ये चीज मना है कि आप जिस पार्टी की पॉलिसी के ऊपर आए हैं, जिस पार्टी की मैनिफेस्टो के ऊपर आए हैं, आप उसका साथ दें, ये जमहूरियत है। ये तो हमें बातें पता है ना, हमने इतनी सुनी है, आप मुझे ये छोड़े, आप मुझे वो पता नहीं, आप छोड़े सर 25 करोड़ की बात करें, हम जो सर तो कैश था या वैसे कोई और देते हैं। जी तो रणी का आगाज करते हैं। रवीना जी ये बताइए, आपका अकाउंट किसी वजह से बंद हुआ है इस वक्त, आपको रात को खाने पे जाना है, किसको लेके जाना चाहेंगे अपने साथ खाने पे, क्योंकि इवेंचुअली दे विल हैव टू पे। ओके ठीक है, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहबाज गिल और फयाजुल हसन चौहान। फयाजुल हसन चौहान इट वुड बी, क्या बात है। ये बताइए अपने पार्टी के किस लीडर के बयान पर आंखें बंद करके यकीन कर लेंगी, किस लीडर के बयान पर आप कहेंगी कि मैं एक बार जरा रिसर्च कर लूं, और किस लीडर के बयान पर आप कहेंगे या अल्लाह आप क्या कह दिया उन्होंने। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम औरंगजेब, तलाल चौधरी ठीक है, और राणा सनाउल्ला। तो किसके बयान पर आंखें बंद करके यकीन करेंगे? मरियम औरंगजेब। किसके पे रिसर्च करना चाहेंगी? तलाल। और किसके कहेंगे कि आप क्या कह दिया? राणा सनाउल्ला साहब का। आप अंजुमन ताजरान की सदर हैं, ठीक है, आपको ये ओहदा किसी वजह से छोड़ना है, ठीक है, अपनी जगह इनमें से किसको आप सबसे मौजूद तरीन रिप्लेसमेंट समझती हैं, पूरे पाकिस्तान के अंजुमन ताजरान को चलाना है उन्होंने। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजल रहमान और जनाब आसिफ जरदारी। आसिफ जरदारी, आसिफ जरदारी, ये देखें एक जरदारी सब पे भारी अभी भी। ये बताइए टाइटैनिक पर जा रही हैं, दो वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पर किसी और को लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब शेख रशीद। आई थिंक आई प्रेफर शेख रशीद। शेख रशीद साहब डूबती कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रही हैं? ऑप्शंस हैं अजमा बुखारी और हिना परवेज भट्ट। आई थिंक हिना कैन स्विम सो आई विल टेक अजमा बुखारी। अजमा बुखारी को लेकर जा रही हैं, जबरदस्त जी। महेंद्र पाल सिंह साहब आपने बायोग्राफी पढ़नी है, किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अल्ताफ हुसैन और जनाब आसिफ जरदारी। मेरा ख्याल है अल्ताफ हुसैन को मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा, जरदारी का तो बायोग्राफी पढ़नी है इसलिए तो अल्ताफ हुसैन की पढ़ लूंगा ना, अल्ताफ हुसैन की पढ़ लूंगा, उसको देखा नहीं है तो पढ़ लूंगा। तो ठीक है, उनके बारे में इस तरह जानेंगे आप। पढ़नी है तो गैबन आवाज नहीं, क्या पढ़ रहे हो
सर आपका भी अकाउंट जो है बंद हुआ है, खाने पे लेके जाना है, किसको लेके जाएंगे? क्योंकि पैसे तो उन्होंने देने हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं शेरी रहमान साहिबा और हिना प्रवेश भट्ट। हिना प्रवेश भट्ट कोलीग भी हैं, ठीक है। हिना प्रवेश भट्ट ही ठीक है, बड़ी मेजोरिटी से हिना जीत रही है। पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं। अपने किस पार्टी लीडर के बयान पर आप आंखें बंद करके यकीन करेंगे? किसको कहेंगे कि रिसर्च कर लो, और किसको कहेंगे उनकी कैद ताजे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फयाजुल हसन चौहान, शहबाज गिल और जनाब मुराद सईद। तो ये बताएं किसके बयान पे आंखें बंद करके यकीन है? शहबाज गिल। किसके ऊपर रिसर्च हो रही है? फयाजुल हसन चौहान। और किसके ऊपर कह रहे हैं उनकी कहता है? नॉर्मली वो बात इतना करते भी नहीं है तो कोई मसला नहीं। मुराद सईद टाइटैनिक पर जा रहे हैं, दो वीआईपी पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरदोस आशिक अवान साहिबा, आमिर लियाकत साहब और अजमा बुखारी। डॉक्टर फरदोस आशिक अवान के साथ। ये बताएं चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, किसी एक को साथ लेके जाएंगे? जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ देंगे, वापस आप अकेले आ रहे हैं तो कौन होगा वो जिसको आप छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब उस्मान बुज़दार। कितने फसाद है जी, उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार सर, फिर डूबती कश्ती है, दो लाइफ जैकेट्स है, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है चौधरी सरवर और रुमीना खुर्शीद। नहीं, मैं इनको उन्होंने आपके पीछे अपने एक्स गवर्नर से छीन ली लाइफ जैकेट कि नहीं दूंगा मैं। थैंक यू जी, मगर थैंक यू सो मच महेंद्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। रुमीना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों।